के स्टार्ट में आपको बताऊंगा कौन से ट्रिक है, इस तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हो। इन्हीं सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो हमारी पहली ट्रिक है, इस ट्रिक को यूज करने के लिए सिंपली आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, इस ट्रिक की मदद से आप शॉर्टकट में चैटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी से चैटिंग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैसेज वगैरह यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। यहाँ पर मैसेज टाइप करते हैं, उसके बाद दोस्तों आप सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से आप कीबोर्ड से मैसेज को सेंड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? अपने इस बटन को सेंड बटन बना के, इस तरीके से आप इसे सेंड बटन बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको बैक निकल जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको चूज करना है चैट्स का ऑप्शन। और जैसे ही दोस्तों आप चैट्स का ऑप्शन चूज करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एंटर इज सेंड। तो जैसे ही दोस्तों आप इसे ऑन कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम किसी को भी चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कीबोर्ड का बटन था, ये सेंड का बटन यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप किसी को भी कुछ भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी आसानी से आपको ये शॉर्टकट पड़ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट में हम अपने दूसरे ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो हमारी दूसरी ट्रिक है, ये भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो इस ट्रिक की मदद से आप अपने व्हाट्सएप पे आने वाले सभी मीडिया को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक की मदद से आप अपनी सभी मीडिया को अपनी गैलरी से हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना आपको अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने को दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना है चैट्स का ऑप्शन। और चैट्स का ऑप्शन दोस्तों आप जैसे चूज करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा मीडिया विजिबिलिटी। अगर दोस्तों आपने इसे ऑन करके रखा है, आपके व्हाट्सएप पर जो भी फोटो वीडियो ऑडियो आती है वो सारी चीजें आपकी गैलरी में शो होंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो कोई भी चीज आपकी गैलरी में शो नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों आपसे किसी कस्टम चैट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको जाना है बैक। बैक आने पर दोस्तों, मान के चलिए मैं इस कॉन्टेक्ट के फोटो वीडियो अपनी गैलरी में नहीं चाहता, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है मीडिया विजिबिलिटी। जैसे दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इसे नो कर देता हूँ, तो दोस्तों इस कॉन्टेक्ट के जितने भी मीडिया है यानी फोटो वीडियो, वो सारी चीजें मेरी गैलरी में शो नहीं होंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी दूसरी ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट में हम अपने तीसरे ट्रिक की ओर। दोस्तों, इस लिस्ट में जो हमारी तीसरी ट्रिक है, ये भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इसके लिए सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना आपको अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने को दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना है अकाउंट्स का ऑप्शन। और अकाउंट्स का ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। तो जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट रिपोर्ट का। अब दोस्तों, ये है क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप अपने व्हाट्सएप पे एक रिपोर्ट मंगवा सकते हो कि आप कौन कौन से ग्रुप में जुड़े हैं, आपने कौन कौन सी सेटिंग की है, आपकी कौन कौन सी व्हाट्सएप की प्रोफाइल है, सारी चीजें दोस्तों इस रिपोर्ट में आप मंगवा सकते हो। इसमें दोस्तों 3 से 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन का यूज करके आप अपनी एक रिपोर्ट भी बना सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट में हम अपने चौथे ट्रिक की ओर। तो इस लिस्ट में जो हमारी चौथी ट्रिक है, ये भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस ट्रिक की मदद से दोस्तों आप अपनी किसी भी फेवरेट मैसेज को, फेवरेट फोटो को, वीडियो को स्टार कर सकते हैं, उसे एक अलग ग्रुप में रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान के चलिए दोस्तों, मुझे इस कॉन्टेक्ट में ये फोटो पसंद आता है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं इसे दबा के रखूंगा और यहाँ पर मैं स्टार के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये जो फोटो है दोस्तों, वो मेरे स्टार फोल्डर में ऐड हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मुझे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार मैसेज में मुझे देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने फोटो, मैसेज, वीडियो भी मेरे फेवरेट होंगे, यहाँ पर दोस्तों वो सारी चीजें आती चली जाएंगी और एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं स्टार एल्बम बना लूंगा व्हाट्सएप के अंदर ही। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट में हम अपने आखिरी ट्रिक की ओर। दोस्तों, आखिरी जो ट्रिक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने व्हाट्सएप पे नंबर को बदलना पड़ता है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक एक करके कॉन्टेक्ट को बताना पड़ता है कि मैंने नंबर को चेंज कर लिया। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप में एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर दोस्तों आप एक क्लिक में सबको पता चल जाएगा कि आपने नंबर को चेंज कर लिया। इसके लिए आपको अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा चेंज नंबर का। तो जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने को दोस्तों यहाँ पर आपको पुराना नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नया नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पुराना और नया नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों हमने नंबर डाल लिया, उसके बाद दोस्तों